सो लास्ट लेक्चर में हमने लाइक ऑपरेटर देखा था। लाइक ऑपरेटर सबको समझ में आया? ठीक है, कुछ किसी को कुछ डाउट है उसमें? लाइक ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं, कौन बताएगा? लाइक ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? किसमें यूज करते हैं, कौन से क्लॉज में लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं? वेयर क्लॉज में करते हैं, राइट? सो इन ऑर्डर टू फेच रिलेटेड डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर मोस्टली लाइक ऑपरेटर वर्क होता है वेयर क्या डेटा टाइप जो होता है या टेक्स्ट डेटा टाइप जो कॉलम्स होते हैं उनके ऊपर, जिसमें से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग विथ ए वाले एम्प्लॉय फाइंड आउट किए थे, एंड विथ ए एम्प्लॉय या एन एम्प्लॉय, या कुछ सेकंड कैरेक्टर ये होना चाहिए, फोर्थ फिफ्थ कैरेक्टर ये होना चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ हम लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेशंस। जैसे हम एग्रीगेशंस का मीनिंग है कि जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिकल फंक्शंस में वैल्यूज को एग्रीगेट करते हैं, कैसे एग्रीगेट करते हैं, ओपन एक्सेल, वैल्यूज को हम एग्रीगेट कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास एक कॉलम है जिसमें सेल्स की वैल्यू है, ठीक है, तो अगर मुझे टोटल सेल निकालना है तो मैं क्या कौन सा ऑपरेशन कर सकता हूँ? ये सेल्स का कॉलम है मेरे पास, यहाँ पे जैसे 100 है, 200 है एंड 300 है। मुझे अगर टोटल सेल निकालना है यहाँ पे टोटल, तो क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा इन तीनों रोज के लिए। तो सम ये क्या है, एग्रीगेशन फंक्शंस है, राइट? सम के साथ साथ और एग्रीगेशन फंक्शंस कौन से है? सम है, मीन है, मैक्स, काउंट, एवरेज, ठीक है, ये बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन है जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये एग्रीगेशन अवेलेबल है मैथमेटिक्स में, तो वही एग्रीगेशन हम सीक्वल में यूज करते हैं टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन ऑन एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। सो लेट्स से आई एम हैविंग दिस सेलेक्ट, इस ऑर्डर टेबल की स्क्रिप्ट मैंने आपको भेजी है अभी, ठीक है। If I do this select star from orders, तो ये order का table अभी हमारे पास है। सर एक बार DA9 में भी send कर दीजिए। क्या हुआ? DA9 में भी send कर दीजिए ना। हाँ मैं कर दूँगा, lecture खत्म होने के बाद कर दूँगा, ठीक है। तो एग्रीगेशंस करने के लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं जैसे सम, मीन, मैक्स, काउंट एंड एवरेज, इन फंक्शंस का हर एक फंक्शन एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए हम यूज करते हैं। अगर मुझे कॉलम्स का एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज फंक्शन यूज करूंगा, सम निकालनी है तो सम यूज करूंगा, या उस कॉलम के अंदर से कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मीन फंक्शन यूज करते हैं, या मैक्स निकालना है मुझे तो मैक्स यूज करूंगा, या मुझे रोज काउंट करने हैं उस टेबल में कितने हैं तो मैं काउंट फंक्शन यूज करूंगा। सो मल्टीपल यूज केसेस है एज पर ईच एग्रीगेशन फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो एग्रीगेशन फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए डिटेल में पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉलम्स में या आउटपुट हम एक कॉलम्स कैसे ऐड कर सकते हैं आउटपुट में। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ क्यूरी लिखते हैं, राइट, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, मैं यहाँ पे एक वेयर क्लॉज डाल रहा हूँ कि वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू लेट्स से फर्नीचर, दिस ये मुझे क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर टेबल में से जितने कॉलम्स है सारे के सारे कॉलम्स है, जो पर्टिकुलर कॉलम्स मुझे यहाँ पे चाहिए वो कॉलम्स भी वो मुझे कैसे दे सकता है, तो मुझे उन कॉलम्स के नाम यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, राइट, इस क्यूरी में इंस्टेड ऑफ स्टार मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, कॉलम्स के नाम मेंशन करने पड़ेंगे कौन से कॉलम्स मुझे चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टार आई विल पुट कैटेगरी, ऑर्डर टेबल से मुझे कैटेगरी चाहिए, जैसे मुझे सेल चाहिए, सेल्स का एक कॉलम हमारे पास है,
हमारे पास प्रॉफिट का एक कॉलम है. सो दोस थ्री कॉलम्स लेट्स से आई वांटेड इन आउटपुट कैटेगरी सेल्स एंड प्रॉफिट. अभी मुझे आउटपुट में एक चौथा कॉलम चाहिए जो डिवाइडेशन करे इस प्रॉफिट बाय सेल का या सेल बाय प्रॉफिट व्हाटएवर. ठीक है, जैसे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल का एक रेशियो का कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए. ये कॉलम इस ऑर्डर टेबल में नहीं है, राइट, ये हमें बनाना पड़ेगा. तो बनाना पड़ेगा, इन शॉर्ट हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा कि रेफरेंस देना पड़ेगा कि दिस कॉलम डिवाइडेड बाय दिस कॉलम या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल. प्रॉफिट एंड सेल्स के बोथ कॉलम हमारे पास है, हमें इन दो कॉलम्स को यूज करके एक थर्ड कॉलम बनाना है रेशियो का इस आउटपुट के अंदर. ये बस इसी आउटपुट के अंदर रहेगा, वो आपके ऑर्डर टेबल में जनरेट नहीं होगा क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया है ये सेलेक्ट क्यूरी के अंदर किया है. तो ये बस आपको प्रिंट करके देगा जो भी इस क्यूरी का आउटपुट होगा. ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो यूज कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर टेबल के अंदर का डेटा फेच करने के लिए यूज कर रहे हैं कि इस ऑर्डर टेबल से मुझे ये चार कॉलम दिखाने या पांच कॉलम दिखाने. लेकिन उन तीन या चार कॉलम्स के साथ मुझे कुछ एक एग्रीगेशन फंक्शंस या कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक और कॉलम इस पर्टिकुलर आउटपुट में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे उसको. ठीक है, तो लेट्स से जैसे कि हम फ्रॉम के पहले, ये जो हमारा फ्रॉम ऑर्डर्स है इसके पहले हम कॉलम्स के नाम लिखते हैं, राइट. जैसे हमने ये कैटेगरी सेल्स एंड प्रॉफिट के लिखा है. अगर मुझे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे वापस एक कॉमा देना पड़ेगा, इन कॉलम्स का नाम लिखना पड़ेगा. जैसे प्रॉफिट है तो अगर मुझे लेट्स से सब कैटेगरी भी ऐड करना है तो मैं सब कैटेगरी लिखूंगा. अगर मैं सब कैटेगरी यहाँ पे लिखता हूँ तो सब कैटेगरी यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस में दिखाई देगा क्योंकि ऑर्डर टेबल में सब कैटेगरी का कॉलम अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ओवर हियर. ठीक है, आपकी क्यूरी फेच कहाँ से कर रही है, ऑर्डर के टेबल से या कॉलम को फेच कर रही है, राइट. मोटिव क्या है हमारा कि मुझे एक ऐसा कॉलम ऐड करना है जो मुझे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इसका रेशियो दे. ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से मैं नेक्स्ट लाइन को जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन करता हूँ कि लेट्स से प्रॉफिट, जैसे नॉर्मल डिवाइडेशन करते हैं हम, ठीक है, स्लैश सेल्स. ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल करो, लेकिन इसको कुछ नाम देना पड़ेगा इस कॉलम को, जो कॉलम बनने वाला है इस कॉलम को नाम देने के लिए हम एलियासेस यूज करते हैं. ठीक है, इसको मैं लिखूंगा एज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इसका एक जो कॉलम बनेगा तो कॉलम्स का नाम रहेगा लेट्स से रेशियो. ठीक है, ये जो कॉलम बनेगा इसका नाम रहेगा रेशियो. नाउ इफ आई परफॉर्म दिस क्यूरी, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो एक रेशियो का एक कॉलम बन के आएगा जो मुझे रेशियो दिखाएगा इन दोनों का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल हर एक सेल के लिए. ठीक है, इस वे से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जिस्टिंग कॉलम्स के पी को यूज करके. ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ कि हम हमारे आउटपुट में कॉलम्स को कैसे ऐड करेंगे. ठीक है, ये अंडरस्टैंड हुआ कैसे कॉलम को ऐड करेंगे. फ्रॉम के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम्स हमने दिए हैं जैसे वहाँ पे कॉमा देके वो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जिसको हमें परफॉर्म करना है. जैसे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल एज किस लिए है, एक एलियास दे रहे हैं हम इस जो एक्सप्रेशन को परफॉर्म करके जो कॉलम बनेगा उस कॉलम का नाम आएगा रेशियो. अगर मैंने इसको नाम नहीं दिया, लेट्स से मैंने बस इतना ही परफॉर्म किया इसको नाम नहीं दिया, तो वो जो कॉलम बन के आएगा ना वो ब्लैंक कॉलम बन के आएगा. जैसे यहाँ पे आएगा नो कॉलम नेम हेडर में, राइट. अगर मुझे बाद में इसका कोई रेफरेंस लेना रहेगा इस क्यूरी का तो मैं इस कॉलम को यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है. इसलिए नाम देना जरूरी है क्योंकि हमें अंडरस्टैंड हो कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो किस कॉलम में किया हुआ है. अंडरस्टैंड, एलियास मतलब क्या, बस आप एक नाम दे रहे हो उस चीज को. एलियास के रिगार्डिंग हम थोड़ा और पढ़ेंगे जैसे हम अलग अलग क्यूरीज परफॉर्म करेंगे आगे, तो एलियास हम देना पड़ेगा हमें टेबल्स को या कॉलम्स को, तो उस टाइम पे भी हम डिटेल में देखेंगे कि एलियास क्या है, क्यों दिया जाता है. ओके, ये क्लियर है सबको कि ये परफॉर्म कैसे हुआ हमारा. ओके, नाउ लेट्स से मुझे लेट्स से मैं अनदर क्यूरी लिख रहा हूँ एक यहाँ पे. सो लेट्स से यहाँ पे मैं
प्रॉफिट का जो कॉलम है, जैसे मुझे और एक कॉलम बनाना है यहाँ पे, जो मुझे अगर प्रॉफिट की जो वैल्यू है मेरी, जैसे या सेल के ऊपर बना रहा हूँ, प्रॉफिट के ऊपर बाद में बनाएंगे, लेट से दिस सेल की कंडीशन में ले बना रहा हूँ मैं, कि अगर मेरा सेल्स जो है वो सेल्स अगर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो है, जैसे मेरे पास कंडीशंस है कुछ, ओके चलो प्रॉफिट के बेसिस पर होते हैं, हैविंग दिस कंडीशन तो अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉफिट के बेसिस पर, कि लेट से कि अगर प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मेरा जीरो है या लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव में है, तो मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए लॉस। प्रॉफिट अगर मेरा 50 से लेस है तो लो प्रॉफिट, 100 से लेस है तो हाई प्रॉफिट, एंड 100 से ग्रेटर है तो वेरी हाई। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, हर एक सेल की वैल्यू को चेक करेगा, जैसे ये -146 है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इससे राइट, लेस देन जीरो, माइनस इज लेस देन जीरो राइट, सो आउटपुट आएगा लॉस। सेम यहाँ पे 62.737 के लिए आउटपुट क्या आएगा, इस 62.737 के लिए आउटपुट क्या आएगा, हाई प्रॉफिट आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट लेस देन 50, दिस इज लेस देन 100 राइट, सो दैट्स व्हाई ये हाई प्रॉफिट आएगा। सो रिक्वायरमेंट समझ में आया कि हमें क्या करना है, ओके। सो नाउ जैसे आपको कंडीशंस पुट करनी होती है, किसी कंडीशन के बेसिस पे आपको कॉलम बनाना होता है, देन वी ऑलवेज यूज केस व्हेन स्टेटमेंट, केस व्हेन स्टेटमेंट, ठीक है। केस व्हेन स्टेटमेंट इज लाइक अ इफ एल्स स्टेटमेंट, कि आप एक लॉजिक देते हो, उस लॉजिक को पहले चेक करता है ये जो क्यूरी है, वो क्यूरी उस लॉजिक को चेक करता है, पहले चेक करेगा कि प्रॉफिट की वैल्यू लेस देन जीरो है क्या, अगर लेस देन जीरो है तो उसको लॉस का नाम दे देगा वो, या लॉस आउटपुट दे देगा। लेकिन ये कंडीशन अगर फेल हो जाए कि वो लेस देन जीरो नहीं है, तो वो सेकंड कंडीशन जो है उसको चेक करेगा कि वो 50 से लेस है क्या, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो वो थर्ड कंडीशन चेक करेगा कि वो 100 से लेस है क्या, और सारी कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो वो लास्ट कंडीशन चेक करेगा कि देन आउटपुट इज वेरी हाई। सो दिस कैन बी परफॉर्म इन अ केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट के लिए हमें उसका सिंटैक्स होता है, जैसे मैं केस स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ केस, देन मैं व्हेन के फॉर्म में यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस देता हूँ, व्हेन के बाद मेरा आता है देन, अगर ये लॉजिक में यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन के अंदर कि केस व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन 50 देन आउटपुट इज लॉस, ठीक है। ऐसी मल्टीपल एक केस स्टेटमेंट के अंदर मैं मल्टीपल व्हेन कंडीशन लिख सकता हूँ, अगेन व्हेन ऐसे मल्टीपल टाइम्स व्हेन लिख सकता हूँ, उसको कुछ लिमिट नहीं है। लेकिन जब मुझे इसको एंड करना है, इस केस स्टेटमेंट को खत्म करना है, तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा कि एंड, स्टार्ट केस से होगा, एंड होगा एंड से, एक केस स्टेटमेंट का, ठीक है। सिंटैक्स समझ में आया, तो उसको अप्लीकेबल करते हैं, जैसे कि दिस क्यूरी में यहाँ पे हमने जो कॉलम बनाया था रेशियो वाला, वहां पे मैं कॉमा दे रहा हूँ फ्रॉम के पहले, राइट, फ्रॉम के पहले ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम्स के नाम मेंशन कर रहे हैं जो कॉलम्स हमें चाहिए। देन मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट इंटर कर रहा हूँ कि लेट्स से केस व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन जीरो। ये लॉजिकल ऑपरेशंस पता है ना सबको, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पता है ना, ओके। तो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि 100 इज ग्रेटर देन 300, तो कैसे लिख सकता हूँ, जैसे 100 ग्रेटर देन का साइन नहीं है राइट, ऐसे करेक्ट, ये वैल्यू पे मत जाओ, बस अंडरस्टैंड करो कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सो दिस इज लेस देन या लेस देन लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। अगर मुझे ऐसी कंडीशन लिखनी है यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, कि 100 इज नॉट इक्वल टू 300, तो नॉट इक्वल टू लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं बोथ राइट, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क
and let's say this, sorry, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, exclamatory mark and equal to sign, बहुत चलता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो, ये this is for not equal to, कोई condition देनी है अब हमें कि not equal, this is not equal to this, then output is this, so उस time पे हमें this particular signs use करने के लिए, okay? So let's move further कि मैं यहाँ पे condition लिख रहा हूँ, case के बाद when, when के बाद condition मेरी या जो logic में लिख रहा हूँ कि profit is less than zero, then मुझे क्या करना है, output क्या चाहिए, loss चाहिए, right? ये मैं single inverted comma में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो output चाहता हूँ, this is like a text awake, that's why मैं यहाँ पे loss put कर रहा हूँ. अगर मुझे मैंने ऐसे put किया कि जैसे profit is less than zero, then put zero. मुझे सिंगल इनवर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज लाइक ए इंटीजर, राइट, अंडरस्टैंड हो रहा है ये. नेक्स्ट व्हेन के लिए आपको यहाँ पे कॉमा वगैरह देने की जरूरत नहीं है, नहीं देते हम कॉमा. कॉमा कहाँ पे होता है, जब कॉलम स्टार्ट होता है या एंड होता है, जैसे कि ये कॉलम है, ये यहाँ पे एंड हुआ, ये कॉलम स्टार्ट हुआ, तो उसके बीच में हम कॉमा देते हैं, उसके बीच में कॉमा नहीं देते कभी. तो केस ये स्टार्ट हुआ, अगेन मैं दूसरी कंडीशन पुट कर रहा हूँ कि जैसे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट लेस देन 50, राइट, देन आउटपुट विल बी वेरी लो समथिंग, राइट, व्हाट इज इट, आउटपुट इज लो प्रॉफिट, सर, लो प्रॉफिट. नाउ नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन profit is less than 100, then output will be high profit and last condition, else, what is it, very good. ये जो else मैंने लिखा है, ये else इसलिए लिखा है कि अगर मेरी कोई value है, ये तीनों conditions को वो satisfied नहीं करती. एक value है वो less than भी zero नहीं है, less than 50 भी नहीं है, less than 100 भी नहीं है, तो अल्टीमेटली वो क्या हुई, 100 से ग्रेटर हुई ना, अंडरस्टैंड हो रहा है. तो जो फोर्थ कंडीशन ही है, ये देने की जरूरत नहीं हमें कि प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 100. अगर कोई वैल्यू इन तीन कैटेगरी में या तीन लॉजिक्स में बैठ ही नहीं रही, इसका मतलब वो 100% 100 से ग्रेटर ही है, तभी तो वो यहाँ पे इन तीन लॉजिक्स में उनको ट्रू नहीं कर पाई. इसलिए मैं लास्ट की जो कंडीशन है उसमें दूंगा एल्स. अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फॉल्स है, देन आउटपुट दो मुझे वेरी हाई. ठीक है, कंडीशंस लॉजिक मैंने पुट कर दिया. नाउ टाइम टू एंड दिस केस स्टेटमेंट. एंड को हमें लिखना पड़ेगा एंड. केस स्टेटमेंट खत्म हुआ, टाइम टू नेम दिस कॉलम एज, नाम क्या देंगे इसको, लेट्स से प्रॉफिट लेवल, प्रॉफिट लेवल. And now I run this. नहीं, यहाँ पे मुझे एक कॉलम मिला प्रॉफिट लेवल का, जो मुझे कंडीशंस चेक करके आउटपुट दे रहा है, जैसे कि दिस इज माइनस, तो यहाँ पे लॉस आ रहा है, दिस इज 62, यहाँ पे हाई प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि दिस, ये जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है. अगेन दिस इज माइनस, तो इसको लॉस आ रहा है. यहाँ तक क्लियर है केस स्टेटमेंट, समझ में आया सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ कि केस स्टेटमेंट हमने कैसे यूज किया है यहाँ पे? यस सर. नाउ अगर मैं इस केस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि ये जो सबसे सेकंड कंडीशन जो है, इस कंडीशन को मैं निकाला और पहले डाल,
मैंने क्या किया कि सेकंड जो कंडीशन थी उसको निकाला और फर्स्ट डाला, तो इस क्यूरी को जब मैं रन करूंगा तो आपको क्या लगता है आउटपुट सेम रहेगा या चेंज होगा? क्यों चेंज होगा? ओके, तो लेट्स रन दिस एंड अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सी फर्स्ट कंडीशन जो है ये वैल्यू क्या है, -146.11 है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट अगर लेस देन 50 है तो मुझे लो प्रॉफिट चाहिए। तो दिस -146.11 एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? लॉस, राइट, क्योंकि लेस देन जीरो है। सो बट आउटपुट क्या दे रहा है हमें? फर्स्ट कंडीशन का आउटपुट दे रहा है। इन शॉर्ट केस व्हेन स्टेटमेंट जब रन होता है तो वो टॉप टू बॉटम रन होता है। ठीक है, पहले आपकी टॉप की कंडीशन जो होगी वो उसको चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो आउटपुट आपको तुरंत मिल जाएगा उधर के उधर, वो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा। जैसे हमारे केस में -146.11 दिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि दिस वैल्यू इज लेस देन 50 माइनस है इसलिए, तो इसलिए लो प्रॉफिट आपको आउटपुट मिला। बट होना क्या चाहिए था? लॉस होना चाहिए था क्योंकि कंडीशन सेकंड कंडीशन थी कि वो लेस देन जीरो की कंडीशन भी हमारे पास है। इसीलिए हमें जब केस विन स्टेटमेंट लिखते हैं हम तो कंडीशंस जो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, या हम उसको बाउंड कर लेते हैं कंडीशंस में, या जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स है उसके अंदर उसको बाउंड कर देते हैं, तब इसका फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लॉजिक या कौन से वे में या कौन से इसमें सीक्वेंस में लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो प्रॉफिट इज लेस देन 50 के जो कंडीशंस है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा कि प्रॉफिट इज लेस देन 50 एंड प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं कि प्रॉफिट इज लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन के लिए वो क्या चेक करेगा? यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा कि लेस देन 50 है लेकिन जीरो से ग्रेटर है क्या, तो ये फेल हो जाएगा, राइट। देन इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट इज लेस देन 100, इसके लिए मैं क्या कंडीशन दे सकता हूँ? एंड प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 50, ऐसे दे सकता हूँ। तो इसके लिए एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट बन गया, तो उसको उसी लिमिट के बीच में चेक करना है। नाउ इफ आई रन दिस तो हमें आउटपुट बराबर मिलेगा -146.1, इसके लिए लॉस है, 62 पॉइंट के लिए हाई प्रॉफिट है, करेक्ट। तो मैं अभी किसी भी सीक्वेंस में इसको रखूं, ये नीचे वाला कंडीशन ऊपर डाल दूं या ये सेकंड में डाल दूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक लॉजिक के लिए उसके पास खुद का एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, एक बाउंडेशन है कि उसको कहाँ किस रेंज से लेके किस रेंज तक चेक करना है। ओके, सो ऑपरेटर्स जो यूज कर रहे हो उस पर प्रॉपरली यूज करेंगे तो हमें कंडीशंस को सीक्वेंस के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कंडीशन जब भी आप देते हो केस स्टेटमेंट में इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है हमें कि जो हम सीक्वेंस से पुट कर रहे हैं उस सीक्वेंस के साथ, जैसे कि दिखने में प्रॉब्लम सिंपल होगा, आप केस स्टेटमेंट लगा दोगे वहाँ पे, बट वहाँ पे थिंक करो कि आप अगर एक ही ऑपरेटर यूज कर रहे हो वहाँ पे तो उसका इफेक्ट सेकंड कंडीशन पे तो कुछ होगा कि नहीं होगा अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देते हो तो। ठीक है, अगर आपको एक ही ऑपरेटर यूज करना है देन यूज प्रॉपर सीक्वेंस, जैसे हमने पहले यूज किया था कि जीरो से लेके हमें 100 तक चला गया। ओके, ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया? यस सर। फाइन, सो आफ्टर दिस केस स्टेटमेंट, केस विन स्टेटमेंट, हम जाते हैं एग्रीगेशंस फंक्शंस की तरफ। नाउ वी अंडरस्टैंड एग्रीगेशंस फंक्शंस। हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे आउटपुट में एक कॉलम अगर हमें ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कैसे कर सकते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशन से कर सकते हैं या केस विन स्टेटमेंट से हम एक कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे आउटपुट में। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्रीगेशन फंक्शंस। लेट्स से एग्रीगेशन फंक्शंस, सो आई एम ऑलरेडी हैविंग, लेट्स से
ठीक है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस एग्रीगेशन फंक्शन, सो वी हैव दिस सम मैक्स काउंट एंड एवरेज. तो लेट्स से मैं क्यूरी ऐसे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स. मैंने ये क्यूरी लिखी एंड आई रन दिस क्यूरी. ठीक है, ये क्यूरी रन होगी और आउटपुट में मुझे क्या देगी, जो सेल का कॉलम था हमारे ऑर्डर टेबल के अंदर, जो सेल्स का कॉलम है इसका सम मिलेगा मुझे टोटल. ठीक है, ये अंडरस्टैंड है. जैसे कि ये दिस एग्रीगेशन सम, ये क्या करेगा आपका कॉलम्स का समेशन करेगा. अगर मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर की मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देन व्हाट आई कैन डू, जैसे मैं यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे मिन यूज कर रहा हूँ कि मिन सेल्स, मैं उस कॉलम का रेफरेंस दे रहा हूँ, कौन सा सेल्स का कॉलम, एज जैसे मिनिमम सेल्स, इसको अगर रन करता हूँ देन आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम सेल की वैल्यू मिलेगी, कॉलम के अंदर का मिनिमम सेल किस प्रोडक्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए उस सेल की वैल्यू मिलेगी. क्योंकि मैं रेफरेंस में बस सेल्स का कॉलम ही ले रहा हूँ, मैं कोई अदर कॉलम यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ, मैं एक ही कॉलम ले रहा हूँ सेल्स का कॉलम. ठीक है, अगर सम फंक्शन यूज करूंगा तो सेल्स के कॉलम का पूरा समेशन मिलेगा, अगर मिन यूज करता हूँ तो उस कॉलम के अंदर की जितनी वैल्यू चाहिए उस वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू मिलेगी. सेम वे अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कॉलम के अंदर, किसकी हाई, कौन सी वैल्यू सबसे हाई, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैक्स फंक्शन है, राइट. सो अगेन आई कैन यूज लेट्स से मैक्स सेल्स एज मैक्स सेल्स. ठीक है, एक चीज और, एसक्यूएल में हम स्पेस नहीं देते कभी. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी मैं कुछ नाम लिखना होता है तो उसको अंडरस्कोर से दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ टोटल सेल, ऐसे नहीं, ये एरर शूट करेगा मुझे, सिक्वल स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए मुझे मैं अंडरस्कोर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि दिस इज वन वैल्यू ओनली. ओके, सो अगेन इसको अगर मैं रन करता हूँ देन आई गेट मैक्सिमम वैल्यू फॉर सेल. ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स से एवरेज. अगर मैं एवरेज फंक्शन यूज करूं सेल्स के ऊपर तो क्या होगा, ये वैल्यू कौन सी, क्या वैल्यू देगा मुझे ये एवरेज सेल्स, सेल्स के कॉलम का एवरेज देगा. जैसे फॉर एग्जांपल 100 200 300 ये मेरा सेल का कॉलम है, मैं सम फंक्शन यूज करूंगा तो टोटल सम मिलेगा, मिन फंक्शन यूज करूंगा तो 100 मिलेगा, मैक्स फंक्शन यूज किया तो 300 मिलेगा, एवरेज किया तो क्या आउटपुट आएगा, इसकी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज, करेक्ट 300 आएगा, राइट. जैसे यहाँ पे दिख रहा है एवरेज कितना है 200 ना, 600 बाय 3 ना, 200 ना. सेम वे इसको अगर रन करते हैं यू विल गेट एवरेज फॉर दिस सेल्स कॉलम, दिस इज 229.85. ओके, वन मोर एग्रीगेशन फंक्शन इज ओवर हियर व्हिच इज काउंट. ये काउंट क्या करता है, आपके नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है. तो अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे काउंट यूज किया, काउंट, काउंट के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में देते हैं स्टार, इसका मतलब होता है कि उस ऑर्डर टेबल के सारे रोज तुम काउंट करो. ठीक है, या मैं इसके अंदर कोई कॉलम का नाम भी दे सकता, जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट, जैसे मेरे पास दूसरा कॉलम है कस्टमर आईडी का, तो अगर यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी ऐसा डाला, कस्टमर आईडी एज नंबर ऑफ कस्टमर परंतेस, तो मुझे कस्टमर के जो कॉलम है जैसे 999 इतने रोज है हमारे पास. अगर मैं इसको रन करता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर का जो टेबल है उसमें हमारे पास कितने रोज है, 999 रोज है.
तो हर एक रोज को काउंट किया है उसने एंड हमें आउटपुट दिया 4994। ओके समझ में आ रहा है? अगेन इस अकाउंट के अंदर मैं स्टार भी पास कर सकता हूँ, वन भी पास कर सकता हूँ, इट डजंट मैटर। लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐसे पास किया, लेट्स से इंस्टेड ऑफ कस्टमर आईडी या लेटेस्ट डे यहाँ पे मैंने किया कि काउंट स्टार एज नंबर ऑफ ट्रिपल 94। सो ये स्टार का क्या मतलब होगा? एवरीथिंग ऑर्डर टेबल के अंदर के सारे रोज मुझे चाहिए, तो वो रोज की वैल्यू ये है। अगर यहाँ पे मुझे वन डालो तो भी आउटपुट क्या आएगा? सेम ही आएगा। स्टिल आएगा 4994। सो काउंट के अंदर लेट से मैंने यहाँ पे ऐसे डाला राहुल, स्टिल इफ आई रन दिस स्टिल 4994। तो काउंट के अंदर आप जो डालते हो वैल्यू, जैसे मैंने कोई यहाँ पे वैल्यू पास करा स्टार वन जो भी वट एवर, तो इन रियलिटी इन वर्चुअल रियलिटी वो क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करता है बैकएंड में, जिसमें हर एक रो के लिए वो ये वैल्यू वहाँ पे डालता है। तो ऐसे इमेजिन करो कि ऑर्डर टेबल के अंदर एक कॉलम क्रिएट होता है, वहाँ पे हर एक सेल में हर एक रो के लिए वो काउंट के अंदर आपने जो वैल्यू पुट की, जैसे मैंने राहुल डाला है तो हर एक सेल में वो राहुल 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 ऐसे 4994 टाइम्स लिखेगा, देन उसको काउंट करेगा। दैट्स व्हाट इट डू कि मैंने इसके अंदर जो भी पास किया इससे कुछ मतलब नहीं बनता। हाँ, मैंने अगर किसी कॉलम का नाम पास किया है तो उस कॉलम के लिए वो काउंट करेगा। ठीक है, वन मोर थिंग, जितने भी एग्रीगेशन फंक्शन है ये एग्रीगेशन फंक्शन नल के लिए काम नहीं करते। ठीक है, लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 3 रिकॉर्ड्स है, राइट, और यहाँ पे लेट्स से मैंने नल लिखा है, अगेन दिस इज नल। अगर मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम का सम किया, टोटल वैसे देखा जाए तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे? 5 रिकॉर्ड है, राइट, क्योंकि दिस नल इज फॉर लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम ओनली। जो साथ में जो कॉलम है, जैसे यहाँ पे लेट्स से ऑर्डर आईडी है या लेट्स से प्रोडक्ट नेम है, लेट्स से इसका ए सी, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस प्रोडक्ट नेम के कॉलम में उसकी वैल्यू है, उस सेल में वैल्यू है, लेकिन सेल के कॉलम में उसके लिए वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं इस सेल के कॉलम में एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं सम करता हूँ तो सम में आप इस नल को कंसिडर करते हो क्या? राइट, नहीं करते ना, हम इन 3 वैल्यूज का ही सम करते हैं। सेम वे अगर मैं मिन ले रहा हूँ या मैक्स ले रहा हूँ, तो मैं जिसमें वैल्यूज है उनको ही कंसिडरेशन करूंगा, नल को कंसिडरेशन में नहीं लूंगा कि उसकी मिन वैल्यू क्या है मैक्स वैल्यू क्या है, क्योंकि नल इसलिए प्रोवाइड होता है कि उसमें कुछ वैल्यू नहीं होती। दिस इज कम्प्लीटली एम्प्टी, उस एम्प्टीनेस को डिस्क्राइब करने के लिए डेटाबेस उसको नल कंसिडर करता है। अगेन अगर मैं इसका काउंट लू, मैं इस सेल का जो कॉलम है इसका काउंट लू, तो उसका काउंट आएगा 3। वो नल को कंसिडर नहीं करेगा काउंटिंग में। लेकिन मैं अगर मैं प्रोडक्ट नेम का कॉलम काउंट करूं तो उसका आएगा आउटपुट 5 आएगा, क्योंकि इसमें नल नहीं है, नल किसमें है? इसमें है। तो काउंट करते समय वो सेल को ही जितनी वैल्यूज है उनको काउंट करेगा, नल को कंसिडरेशन में नहीं लेगा काउंटिंग में। सेम वे एवरेज के लिए भी, अगर मैंने एवरेज निकाला है इस सेल्स के कॉलम का एवरेज निकाला, तो एवरेज के लिए वो इसकी सम डिवाइड बाय 3 से ही करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस सेल में फॉर्मूला लिखा, जैसे एवरेज विल बी वर्किंग ऑन
स्टिल वी गेट 200. मैंने भले ही पांचों रोज सेलेक्ट किए हो, फिर भी मुझे आउटपुट में 200 ही मिला. कैसे मिला? 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 3. एवरेज में भी काउंट कंसिडरेशन या नल कंसिडरेशन नहीं हुआ. ठीक है, सो ये थिंग थोड़ी सी याद रखो हमेशा कि नल जो होते हैं वो कंसिडरेशन होते नहीं है एग्रीगेशन फंक्शंस में. आप बहुत बार कब कंफ्यूज हो जाते हैं? जब आपको एवरेज पूछा जाता है तब. नॉर्मली सम्स मीन मैक्स में वैल्यू नहीं है तो आप उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब एवरेज की बात आती है तो आप क्या कंसिडर करते हो कि फिर से दिस इसका टोटल हुआ 600, 5 रिकॉर्ड से तो मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा. सो एवरेज चेंज हो जाएगा, राइट? अगर आप 5 से डिवाइड करोगे दिस पर्टिकुलर 600 को तो आउटपुट कुछ अलग आएगा, लेकिन आप 3 से डिवाइड करते हो तो 200 मिलता है आपको. सो एवरेज का जो वैल्यू है वो पूरी तरह से बदल जाएगा. इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एग्रीगेशन फंक्शंस का नल को कंसिडर नहीं करते उनके कैलकुलेशंस. ओके, इसीलिए हमें जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम नल हैंडलिंग करते हैं. नल हैंडलिंग मतलब एक तो हम इस नल को रिप्लेस कर देंगे किसी वैल्यू से, जैसे मैं इस नल को 0 से रिप्लेस कर दूंगा. अगर यहाँ पे मैंने 0 लिखा, लेट्स से मैं इसको 0 किया, तो ये देखो एवरेज चेंज हुआ, राइट? वो बस नल को ही कंसिडर नहीं करेगा. 0 पुट किया देन इट विल अफेक्ट योर एवरेज, क्योंकि वो कंसिडरेशन में लेगा उस रोज को भी. ठीक है, सो ये एक क्रूशियल फैक्टर होता है कि एवरेज जो कैलकुलेट करना है उसमें आपको जो नल है उनको कंसिडरेशन लेके करना है या नहीं करना है. तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के ऊपर जिसके लिए आप काम करते हो, उनको जो बिजनेस वैल्यूज चाहिए, जो KPIs उनको दिखाने हैं, वो क्या शो करना है उनको, राइट? एवरेज जो शो करना है वो पूरे कस्टमर के लिए शो करना है या जो कस्टमर्स नल है उनको कंसिडरेशन में नहीं लेना है. होता है ना कभी कभी क्लियर से कोई कस्टमर है, उसकी कोई बिजनेस सेल नहीं है, उसका सेल 0 है लेट्स से, या कुछ नहीं है सेल उसका, नल वहाँ पे मेंशन किया हुआ. लेकिन जब भी आप आपकी सेल्स निकालते हो टोटल, लेट्स से कि टोटल कस्टमर एवरेज सेल जिसको हम बोलते हैं कि कस्टमर की एवरेज सेल कितनी है आपकी, तो तब उस टाइम पे आपको पूरे टोटल कस्टमर्स कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं, क्योंकि भले ही उस पर्टिकुलर कस्टमर का सेल नहीं है बट वो आपकी कस्टमर की लिस्ट में है. तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट के ऊपर कि उनको हाउ दे वांट टू सी द वैल्यूज. ओके, अंडरस्टैंड हुआ? यस सर. लेट्स से मैं यहाँ पे क्यूरी लिख रहा हूँ कि ऑर्डर बाय, वी सी ऑर्डर बाय, राइट? ऑर्डर बाय देखा हमने, अपडेट देखा है ना. सो लेट्स से ऑर्डर बाय किस लिए यूज किया जाता है? आई वांट टू सॉर्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कॉलम. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास रो आईडी का कॉलम है यहाँ. अभी जो डेटा मुझे दिख रहा है, जैसे कि लेट्स से मैं कोई भी क्यूरी रन करता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ये क्यूरी जब मैं रन करता हूँ ना, तो ये जो डेटा दिखता है आपको, ये डेटा जैसे डेटा इंटर होता है सिस्टम में, जिस वे से वो इंटर होता है उस वे में वो सॉर्ट होके बैठ जाता है. लेकिन आपको किसी और पर्टिकुलर सॉर्टिंग ऑर्डर में देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी एक नंबर पे मेरा रो आईडी कितना है, 1364 है. लेकिन मुझे देखना है कि रो आईडी 1 यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे, 1 2 3 4 इस सीक्वेंस से मुझे देखना है. उस टाइम पे सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए मैं इस रो आईडी को यूज करूंगा और मैं उस टाइम पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करता हूँ. मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स लिखूंगा क्यूरी के बाद ऑर्डर बाय, इस ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट की जो प्रिंटिंग होने वाली है, जो आउटपुट मुझे मिलने बना है, वो किस ऑर्डर में चाहिए मुझे, तो दिस ऑर्डर में यहाँ पे रो आईडी मेंशन करूंगा, कॉलम का नाम. उसके बाद अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे तो इसका मतलब होता है एएससी, मतलब असेंडिंग. असेंडिंग क्या होता है? लो टू हाई, राइट? और डिसेंडिंग क्या होता है? हाई टू लो. अगर मैंने असेंडिंग मेंशन भी किया दैट इज फाइन, जैसे मैंने असेंडिंग मेंशन करके अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो सी रो आईडी यहाँ पे 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा. अगर असेंडिंग मैंने मेंशन भी नहीं किया एंड इफ आई रन दिस अगेन स्टिल आई गॉट सेम रो आईडी 1 2 3 4 से. सो असेंडिंग जो होता है वो डिफॉल्ट होता है सीक्वल में. अगर आपने मेंशन नहीं किया तो वो डिफॉल्ट आपको असेंडिंग ही दिखाएगा, बट समटाइम्स हमें डिसेंडिंग देखना होता है, राइट?
कि लेट से मैंने मेरे पास ऑर्डर है, ऑर्डर का आईडी है एंड उसका सेल्स है मेरे पास, तो उस समय मुझे अगर देखना है कि सबसे हाईएस्ट सेल किसका है, तो मुझे सेल्स के कॉलम को डिसेंडिंग ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ जाए, तो डिसेंडिंग हमें यूज केस के हिसाब से यूज करना पड़ता है। अगर मुझे लेट से किसी ने मुझे पूछा कि टॉप 10 आपकी ऑर्डर्स कौन सी है वो मुझे शोकेस कीजिए, तो उस टाइम पे तो आप असेंडिंग यूज करके मतलब नहीं है, क्योंकि अगर असेंडिंग यूज करोगे तो बॉटम 10 मिलेंगी आपको। सेल्स की बेसिस पे अगर असेंडिंग करते हो तो बॉटम 10 मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में क्या चाहिए, टॉप 10 चाहिए, मतलब जिनका हाईएस्ट सेल हो जिन ऑर्डर्स का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स के कॉलम को डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें प्रिंटिंग जो आउटपुट हो रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट मिलेगा। ठीक है, सो जैसे अगर मैं रो आईडी को यहाँ पे डिसेंडिंग मेंशन करता हूँ, मुझे यहाँ पे DESC लिखना पड़ेगा, ठीक है, टू मेंशन डिसेंडिंग। इफ आई रन दिस, तो सबसे लास्ट वाला जो रहेगा रो आईडी, देखो 9994, वो मुझे सबसे टॉप पे दिखेगा। सो दैट्स व्हाट ऑर्डर बाय यू वी यूज फॉर सॉर्टिंग पर्पस, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसका पर्पस वही है, ऑर्डर बाय का पर्पस वही है कि आपको आउटपुट जो देखना है आपको ऑर्डर बाय सॉर्टिंग असेंडिंग में देखना है या डिसेंडिंग में देखना है। ठीक है, आपको डिफरेंस पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑर्डर बाय एंड अनदर वन मोर क्लॉज इज व्हिच वी आर गोइंग टू सी, ग्रुप बाय, दोनों में बाय बाय आता है, जैसे ऑर्डर बाय ग्रुप बाय। सो ऐसे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय कहीं सेम तो नहीं है, क्योंकि जब हम नए सीखते हैं सीक्वल तो बहुत सारी चीज़ें हमें सेम दिखाई देती है कि ऐसे लगता है कि दोनों का जो यूज केस है वो सेम ही होगा, बट ऐसे होता नहीं है कि हर एक फंक्शन का अपना अपना एक यूज केस होता है, उसके लिए वो यूज किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर बाय ओनली याद रखो कि ऑर्डर बाय, आपने सुना तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि असेंडिंग डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय बस मुझे सॉर्टिंग के लिए यूज करना है, बाकी किसी के लिए उसका कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, क्लियर है ऑर्डर बाय। Yes, let's say for example, this is my order table, right? And my order table having my profit column, this one. If I wanted to see top five order ID, so let's say मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा. Let's say for example, I want order ID and profit from orders table. ये दो column मैंने लिए, order ID and profit. And मैं sorting करूँगा let's say on the basis of profit. डिसेंडिंग टॉप फाइव चाहिए, मतलब टॉप वाले ऊपर चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट वाले ऊपर चाहिए। ठीक है, सो दिस टोटल टॉप फाइव जो रहेंगे वो मुझे आएंगे। अगेन वी हैव फंक्शनल टॉप फंक्शन, वी आल्सो हैव अ टॉप फंक्शंस जो आप लिमिट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे टॉप फाइव। तो 5 मिनट, ओके, टॉप के लिए, बॉटम के लिए नहीं है हमारे पास, तो बॉटम के लिए चाहिए होगा तो कैसे यूज करेंगे इसको, असेंडिंग करेंगे, राइट? मतलब एक फंक्शन भी है टॉप का हमारे पास, तो उस फंक्शन को हम घुमा सकते हैं ना, प्रॉफिट डिसेंडिंग किया, अगर प्रॉफिट असेंडिंग किया तो बॉटम वाले 5 दिखेंगे ऊपर, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना रहे, तो पूछोगे कि सर टॉप तो सिखाया तो बॉटम नहीं सिखाया, ओके। सो टॉप फंक्शन एक ही फंक्शन है, उसको हम यूज करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से। ठीक है, टॉप आपको कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, सबसे स्टार्टिंग में यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वंस अगेन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में सबसे पहले क्या रन होगा, फ्रॉम रन होता है। ठीक है, फ्रॉम के बाद क्या रन होता है, वेयर क्लॉज रन होता है आपका, की वेयर के बाद रन होती है ग्रुप बाय, देन होता है हैविंग, देन होता है सेलेक्ट, एंड देन होता है टॉप। ठीक है, ये जनरल हायरार्की है, इस वे से ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है क्यूरीज का। तो अगर मैंने इस क्यूरी को देखा, सेलेक्ट टॉप फाइव ऑर्डर आईडी प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर फाइव प्रॉफिट डिसेंडिंग, तो आपको क्या लगता है कि क्यूरी कैसे परफॉर्म हुई होगी? सबसे पहले ये फ्रॉम रन हुआ होगा, मतलब क्यूरी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि टेबल कौन सा है। ठीक है, तो क्यूरी के इंजन ने पहले सर्च किया कि वेयर क्लॉज लगा हुआ है क्या यहाँ पे, वेयर क्लॉज तो लगा हुआ नहीं है, सो उसने क्या किया, फिर
देन चेक किया, ग्रुप बाय भी नहीं है, हैविंग भी नहीं, डायरेक्ट सेलेक्ट है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सेलेक्ट जो है यहाँ पे, ये रन होने के बाद फिर उसने मुझे टॉप फाइव दी। दिस वन सेलेक्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले उसको ऑर्डर टेबल में गया क्यूरी, ऑर्डर टेबल में उसने दो कॉलम्स को उठाया, ऑर्डर आईडी प्रॉफिट, ठीक है, इन दो कॉलम्स को लेके आया एंड प्रिंट करते टाइम पे ये लिमिटेशन लगाया कि टॉप फाइव चाहिए मुझे। ये जो ऑर्डर बाय है, ये ऑर्डर बाय भी वहीं पे रन हुआ जब ये आई थिंक यहाँ पे सेलेक्ट के बाद, सॉरी टॉप के बाद रन हुआ, टॉप उसके बाद हुआ ऑर्डर बाय, देन आपको ये पर्टिकुलर आउटपुट जो है मुझे ये वाला जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये मिला, ठीक है। समझ में आया? अभी हमने टॉप फंक्शन भी देख लिया एंड ऑर्डर भी देख लिया हमने कि असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम यूज करते हैं। टॉप किस लिए यूज करते हैं? टू शोकेस ओनली दैट पर्टिकुलर रोज, हमें कितने दिखाने हैं, टॉप 10 दिखाने हैं, टॉप 100 दिखाने हैं या व्हाटएवर, टॉप 1 दिखाने हैं आउटपुट में, ओके। ठीक है, फाइन, देन आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो कल हम ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज देखेंगे, हाउ वी यूज दोज एग्रीगेशन फंक्शंस इन ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ऑनलाइन स्टूडेंट जरा जाना मत है।